दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर हुए गैंगवार के 3 सप्ताह बाद लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया है। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के दिल्ली आने के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई पर हमले की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हमला होना मतलब दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठना। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई को पिछले महीने गुजरात ATS की टीम ने ड्रग्स केस में गुजरात लेकर गई थी। लॉरेंस बिश्नोई से पिछले तकरीबन 1 महीने से पूछताछ करा जा रहा था। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद जेल के अंदर बंद था। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का वहां रिमांड समाप्त हो गया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया। हालांकि इस बार लॉरेंस बिश्नोई एक अलग अंदाज में ही दिख रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। इस बार लॉरेंस बिश्नोई ऐसा देखने में लग रहा है कि ये कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि कोई पॉलिटिशियन हो। इस बार लॉरेंस बिश्नोई का रुतबा एक अलग लेवल का ही है। हालांकि दोस्तों, कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के दिल्ली आने के बाद पुलिस वालों के मन में सवाल ये आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कोई हमला ना कर दे, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से जिस तरह से गोगी गैंग के बदमाशों का साथ दिया गया और दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। तो लॉरेंस बिश्नोई के दिल्ली पहुंचने के बाद पुलिस वालों के मन में एक तरह का सवाल बना हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल के अंदर रखे या फिर किसी दूसरे जेल में रखे। पहले दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर रखा जाएगा, लेकिन अब दोस्तों बताया जा रहा है कि तिहाड़ जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और तिहाड़ जेल के अंदर कहीं ना कहीं सिचुएशन भी अभी खराब चल रहा है, तिहाड़ जेल के अंदर माहौल भी अभी खराब चल रहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस उसे मंडोली जेल में शिफ्ट करेगी। बाकी देखते हैं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को किस तरह से मंडोली जेल में रखा जाता है। पहले दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल में रखने की बात निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर तिहाड़ जेल के अंदर कहीं उसके प्रतिद्वंदी गैंग के लोग हमला ना कर दे, कहीं उसके दुश्मन गैंग के लोग उसके ऊपर हमला ना कर दे, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे मंडोली जेल के अंदर रखा जा सकता है। बाकी दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गुजरात से दिल्ली पहुंच चुका है और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई को जो गुजरात लेकर जाया गया था, लॉरेंस बिश्नोई से ड्रग्स केस के मामले में जो पूछताछ करा गया था, तो दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो बेवजह ही पूछा गया था। बाकी दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई क्या आपको लगता है कि ड्रग्स का धंधा करता होगा? क्या आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि ड्रग्स कारोबारियों से अपना सांठ गांठ रखता होगा? क्योंकि दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई तो कहता है कि वो ड्रग्स कारोबारियों से किसी भी तरह का कोई भी संपर्क नहीं रखता है और ड्रग्स बेचने वालों से उसे नफरत भी है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी ड्रग्स का धंधा करवाता होगा? जो भी लगता है कमेंट में लिख के बताना। फिलहाल दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यही थी कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात से दिल्ली पहुंच चुका है। जय श्री महाकाल दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी भाइयों को राम राम इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।